आइए हम आपको दिखाते हैं देश का ऐसा पहला महिला मैकेनिक गैराज जो कि इंदौर के पिपलिया थाना क्षेत्र में स्थित है। आप देख सकते हैं कि ये महिला मैकेनिक गैराज यंत्रिका के नाम से संचालित किया जा रहा है और यहाँ पर काम करने वाली केवल महिला ही मौजूद हैं। और आप हमारे साथ में महिला संचालक गैरेज के जो हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र बंधु जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी, ये बताइए कि ये महिला गैराज कब से संचालित किया जा रहा है? हमने महिला गैराज जनवरी 2020 से इंदौर में शुरू किया है। बीच में लॉकडाउन के कारण ये रुक गया था, अब वापस हमने शुरू हो गया। अच्छा, ये कैसे ख्याल आया आपकी कि इसको महिला ही द्वारा संचालित किया जाना चाहिए? दरअसल मेरी गाड़ी अगर ख़राब हुई थी और उसका वो क्लच केबल लीवर टूट गया था, तो मैं सुबह एक गैराज पे गया तो वहाँ एक 8-10 साल 15-16 साल का एक लड़का काम कर रहा था। साथ में वहाँ एक झाड़ू लगा रही थी, एक महिला थी और वो कई वहाँ झाड़ू लगाती है आसपास के दुकानों के, तो वो बता रहे थे मुझे महीने भर झाड़ू लगाने पर 3000 रुपये मिलते हैं। वो लड़का था, उसने बताया कि 500 रुपये रोज़ कमा लेता हूँ, और दोनों का जो शिक्षा थी वो 5वीं पास करीब करीब थी। तो मुझे लगा कि दोनों का शिक्षा का स्तर एक है, सब कुछ एक है, सिर्फ महिला और पुरुष होने के कारण कमाई में बहुत फर्क है। इसको तकनीकी ज्ञान है, महिलाओं को तकनीकी ज्ञान नहीं है। यदि मैं तकनीकी कौशल महिला को दे दें तो वो भी इतना कमा लेगी। तब मेरा ख्याल में आया कि महिलाओं को भी मैकेनिक के रूप में उभारा जा सकता है, स्किल्ड किया जा सकता है। तो हमने भी महिला मैकेनिक की ट्रेनिंग शुरू की महिलाओं की। अब तक के कितनी महिला मैकेनिकों को आपने तैयार कर चुके हैं? हमने लॉकडाउन के पहले तक, फर्स्ट वेव के पहले तक 190 महिलाओं को ट्रेनिंग दी थी मैकेनिक की। उसमें से 40 महिलाओं को हमने सर्विस सेंटर पर रोजगार से जोड़ा था। और लॉकडाउन के बाद कई महिलाएं इंदौर शहर के बाहर चली गई, कई लोगों के जॉब छूट गए। अब वापस हम उसको रिकवर कर रहे हैं और अभी भी 30 महिलाएं सर्विस सेंटर पर काम कर रही है। और जो अभी सर्विस सेंटर पर काम नहीं कर रही है उनको हम और रोजगार उनके लिए तलाश रहे हैं। और कुछ महिलाएं हमारे अपने सर्विस सेंटर में काम कर रही है। 2 सर्विस सेंटर हमारे हैं, एक पिपलिया है और पालदा, और हमें यहाँ लगभग 8 महिलाएँ काम कर रही है। और जो बाकी जो महिलाओं को हम अलग अदर कंपनियों के सर्विस सेंटर में रोजगार से जोड़ते हैं। अभी देखा गया है कि आपको केंद्र सरकार द्वारा, केंद्रीय मंत्री द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया, क्या किस? ये भारत सरकार का एक प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके तहत गर्ल्स काउंट नेटवर्क ने एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसमें देश के अलग अलग राज्यों की 5-5 महिला उद्यमों को आमंत्रित किया था, जिसमें हमको भी आमंत्रण मिला था। हमारा सौभाग्य था कि उन्होंने पाया कि भाई इंदौर में महिलाएं मैकेनिक का काम कर रही है, तो हमने अपनी 5 महिला को ले गए थे, उन्होंने सम्मानित किया। देश की 6 राज्यों की महिला उद्यमियों को बुलाया था, उसमें से हम इनको भी शामिल किया गया। कैसा लग रहा है सम्मान पाकर? बहुत खुश हुआ, क्योंकि इस तरह काम को मान्यता मिलना, इस तरह काम को सम्मान मिलना बहुत जरूरी है। इससे महिलाओं को भी उत्साह मिला कि भाई हमने जो कहा, क्योंकि ये महिलाएं जो आई परिवार की चुनौतियों का सामना करते आए, इनको कई सारे संघर्ष हुए, पड़ोसियों ने इनको ताने मारे, अरे क्या मैकेनिक बन रहे, तो पुरुषों का काम है। और जब सरकार के कोई मंत्री जी यदि सम्मानित करते हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ में संचालक राजेंद्र बंधु जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमें जो सम्मान मिला है उससे हम खुश हैं। तो आइए हम बात करते हैं महिला मैकेनिक से भी, कि बताइए कि जिस समय हाथों में मेहंदी होना चाहिए उस समय हाथों में आई लोड हो रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं? सर, नज़रिया तो अब रहता है सही है देखने का लोगों का अलग अलग, पर अब ऐसा है कि कुछ अपने को पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अच्छा, आपके परिवार वालों ने भी कुछ इसमें ऑब्जेक्शन वगैरह लिया होगा? सबने उठाया, फैमिली में हस्बैंड ने ही ऑब्जेक्शन उठाया सर। हस्बैंड ने सीखने से मना किया, जॉब भी नहीं करने दिया, पर जब मुश्किलें आई तो फिर वो मना नहीं कर सके, बोला कि कर सकते हो। अब मैं अभी यंत्रिका गैरेज पे ही काम करती हूँ सर 2 साल से। कैसा लग रहा है कि अब जिस तरीके से आप भी घर के खर्चे में आप भी उनके सहायता कर सकती हैं? तो अच्छा लग रहा है सर, जब से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, जिससे मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और कोचिंग भी जा रहे हैं। नहीं तो मेरे बच्चे कभी कोचिंग नहीं जाते थे सर उस समय, क्योंकि इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि उनको स्कूल पढ़ाओ, कोचिंग करो, घर की फैमिली चलाओ। पर जब से मैं काम कर रही हूँ, जब से वो कोचिंग भी जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड को भी अब अच्छा लगता है कि बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं। आइए हम और दूसरी महिला से भी बात करते हैं कि किस तरीके से वो अपने घर का खर्चा अपने परिवार के साथ बांट के खर्चा चलाते हैं, बताएं। खर्चा तो सर मैं ही चला रही हूँ फिलहाल, तो मेरे हस्बैंड की 2020 में डेथ हो गई, तो सारा लोड मुझ पर ही है। और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ के समान सोसाइटी वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर काम सीख कर मुझे। अच्छा, मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत ही अच्छा लगा, मंत्री जी ने जो सम्मानित किया, हमें अवार्ड दिया, बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने मतलब तारीफ करी कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है जो मंत्रियों ने तुम्हें अवार्ड दिया। और हमारी कहाँ किस्मत जो दिल्ली जाए, हम संस्था के द्वारा हम दिल्ली जा चुके हैं, और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आम महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आम महिलाओं से भी यही कहूँगी कि आप
मतलब दुखी कोई ना हो, सबको मतलब काम मिलता है और कोशिश करो तो सब कुछ हो सकता है। तो ये है हमारे साथ में महिला जो, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोशिश करने की कभी हार नहीं होती, और यही कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया है। इंदौर से फिरोज खान, एबीपी न्यूज इंदौर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।